ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक कुरणी ताजा वीडियो में। यह वीडियो आप सभी कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप लोगों के जीवन में आप लोगों को बहुत ही खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताना चाहेंगे कि आने वाला समय का 4 दिनों का दिन कैसा रहेगा और किस प्रकार बड़े बदलाव होने की स्थिति का निर्माण हो सकता है। परंतु आपको समय के साथ अपने आप को बदलना पड़ सकता है। समय के साथ आपको दैनिक दिनचर्या में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जमीन जायदाद लेने का मौका मिल सकता है, घर बनाने का मौका मिल सकता है, वाहन कार्य इत्यादि अपने स्थानों शौकत में बढ़ोतरी करने के मौके प्राप्त होने वाले हैं। तो आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से, तो वीडियो के लगातार अंत तक देखिएगा। उनसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतरीन बना सकें। माता रानी को भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आप अपने प्रति दूसरों के नजरिए को देखकर आज के दिन आपको ऐसा प्रतीक हो सकता है कि आज के दिन आपको ऐसा प्रतीक हो सकता है कि नया सीखने के लिए अब आप काफी उम्र दराज हो चुके हैं। ऐसा में यह सोचकर अपना मूड को खराब करने की जगह अपनी काबिलियत पर भरोसा जरूर करें। इस बात को ना भूलें कि आप अपने रचनात्मक और सक्रिय सोच की वजह से ही कुछ आसानी से सीख पा सकते हैं। ऐसा में आपको सोचने समझने की शक्ति को भी इसी ओर लगाने की सबसे अधिक जरूरत होने वाली है। आशंका है कि इस दौरान चंद्र राशि से केतु चतुर्थ भाव में स्थित होने के कारण आपकी अलग एक चल अचल संपत्ति चोरी हो सकती है या कोई भी आपके साथ विश्वास को तोड़ने का उस पर हड़प ले सकता है। इसलिए जितना हो सके शुरुआत से ही खुद को सावधान रखते हुए किसी पर भी आंख मंद कर विश्वास करने से बचें। आपके प्रति पिता का व्यवहार आपको बहुत परेशान कर सकता है, क्योंकि संभव है कि आपकी इस बात को लेकर आपको डांट फटकार लगा दें। ऐसे में जितना मुमकिन होता है पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए उनके पास पर प्रतिक्रिया देने से बचें, अन्यथा विवाद बढ़ सकता है। चंद्र राशि से बृहस्पति एकादश भाव में स्थित होने के कारण आपकी कार्य क्षमता और आपके काम की गुणवत्ता को देखकर आपके वरिष्ठ आपसे प्रभावित हो सकते हैं। संभव है कि वह किसी भी मीटिंग में आप लोगों के दूसरों के सामने खुलकर प्रशंसा भी करेंगे। हालांकि अपनी प्रशंसा सुनकर अपने अंदर अहंकार को बिल्कुल नहीं आने दें, उसी रफ्तार को पकड़ कर रखें जो आपको शुरुआत में पकड़ी थी। इस दौरान छात्र भी भरकर पार्टी करते दिखाई दे सकते हैं, जिनसे साथ सीधा प्रभाव उनके शिक्षा पर पड़ सकता है। ऐसे में आपको इस बात को समझने की आवश्यकताएं होंगे कि किसी भी चीज की अति से हमेशा बचना चाहिए, नहीं तो इसका नकारात्मक परिणाम मिलता रहेगा। प्रतिदिन आपको 41 बार ओम बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करना जीवन में आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। प्रेम के लिहाज से कुछ जातकों का रोमांटिक जीवन में ऊर्जा, ताजगी, आनंद की कमी आ सकती है, क्योंकि ना चाहते हुए भी आप और आपका प्रेमी अपने कार्य में बेहतर व्यस्त होने के चलते आपके रिश्ते के जरूरी समय देने में असमर्थ होगा। आप लोगों की कोई भी बात या आदत आपके जीवन साथी को इस कदर खल कर सकती है कि आपका उनके साथ इस बात को लेकर बड़ा विवाद होगा। ऐसा में आपको अगर सही समय पर ध्यान को ना दिया तो आपका जीवन साथी रौद्र रूप का धारण कर सकते हैं। दोस्तों, परिस्थितियों को आप खराब कर सकते हैं, जीवन में काफी बड़े बदलाव कर सकते हैं, शारीरिक बीमारी से सही होने की काफी संभावनाएं हैं और इसके चलते आप शीघ्र ही खेल कूद में हिस्सा ले सकते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें आज अपने बच्चों की पढ़ाई पर अच्छा खासा ख्याल धन खर्च करना पड़ सकता है। आज के दिन दोस्तों और परिवार के सहयोग के चलते आप नई आत्मविश्वास रोमांच से भरपूर रहेंगे। रोमानी यादें आज आप लोगों के ऊपर छाई रहेंगे। तब तक कोई भी वादा ना करें जब तक आप उसे पूरी तरह से पूरा करने में सक्षम ना हो पाए। नए विचारों आइडियाज को जांचने का बेहतरीन वक्त है। जो यह सोचते हैं कि शादी सिर्फ एक सेक्स के लिए होती है तो वह गलत है, क्योंकि आज आपको सच्चे प्यार का जरूर आभास होने वाला है। दिन सुबह